एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन कर राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने नया इतिहास रचा है। डेयरी फेडरेशन के 45 वर्षों के इतिहास में एक ही दिन में यह सर्वाधिक दुग्ध संकलन है। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी की प्रशासक और प्रबंध संचालन सुषमा अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार 10 जनवरी को राजस्थान राज्य में फेडरेशन से जुड़े 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 52,51,000 लीटर दूध संकलित कर रिकॉर्ड बनाया है। इसमें जयपुर जिला दुग्ध संघ का हिस्सा लगभग आधा है। इससे लगभग एक महीला पहले ही फेडरेशन ने 15 दिसंबर 2022 को 43,03,000 किलोग्राम दूध संकलित कर रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 1977 में डेयरी फेडरेशन की स्थापना से लेकर अब तक यह पहला मौका है जब राजस्थान राज्य की शीघ्र सहकारी डेयरी ने 50 लाख लीटर के आंकड़े को पार किया है। अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन के लगातार हो रही इस बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद द्वारा दिसंबर 2022 तक के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुग्ध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 5वें स्थान से पढ़कर अब संपूर्ण भारतवर्ष में 38,82,000 लीटर प्रतिदिन के औसत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दुग्ध संकलन में गुजरात और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान का नंबर है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष फेडरेशन के दूध विपणन में भी 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां औसतन 18.54 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध का विपणन हो रहा था, वहीं इस वर्ष यह 26.68 लाख लीटर प्रतिदिन है।